अपनी सीट की पेटी बांध लें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसे देख के आपको प्यार भी हो सकता है। और आपका इस लोकेशन पे जाने का मन भी कर सकता है, जिसका नाम है लद्दाख। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे, हम सब बहुत थक गए थे, लेकिन ये तो लास्ट का पार्ट है यार। अगर कहानी को पूरी जाननी है तो शुरुआत से शुरू करते हैं। उससे पहले थोड़े सिनेमैटिक क्लिप दिखाए जाएं क्यों? स्टेबल नहीं रहेगा सर। नहीं अभी सब उधर गार्ड पता नहीं कैसे। सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन इस प्लेस में एक जादू था। जादू इसलिए क्योंकि एक तरफ थे बर्फीली पहाड़ तो दूसरी तरफ थे रेगिस्तान जैसे सैंड ड्यून्स। एक साइड बह रही थी नदी जिसका पानी बहुत ही ज़्यादा ठंडा था। एक तरफ हमको कैमल दिख सकते थे और दूसरी तरफ खूब सारे हॉर्स। काफ़ी क्रेजी। भाई तुम क्या मुझे सब्सक्राइब करोगे और लाइक भी करोगे, शेयर करवा दोगे यार? ठीक है, थैंक यू। चलो रेडी है। एक और सीन आ गया दिमाग में। आप एक सीन एक बार में स्पेस आगे पीछे नहीं, क्यों भाई क्यों? तो वन रेडी, वन टू थ्री। कट इट। कैमल चले दिए नहीं है कैमल। और यहाँ पे आर के ओ अबे कैमल आ गए। क्या कहा फिर से बोलिए। ड्रोन उड़ाने के लिए एकदम बेस्ट प्लेस है, बेस्ट प्लेस है। लेकिन इस एरिया में S-400 डिप्लॉय हो चुकी है। अच्छा। डिप्लॉय हो, अगर एक ग्रीन जोन है तो यहाँ पे उड़ाना अलाउड है, ये मैं आप लोग को जानकारी देना चाहता हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट की DGCA वेबसाइट पे भी है। बात सही है, सही बात है, सही बात है। अगर आप सोच रहे हैं कि लद्दाख में ड्रोन उड़ाना मना है तो गलत है। सही बात है, सही बात है। हमारे पीछे हैं कैमल्स, सॉरी हमारे आगे कैमल्स खूब सारे। तो कुछ करिए तो भैया, थोड़ा डिस्काउंट दे दीजिए। आप 500 एकदम फिक्स बोल दिया, हम मान भी गए एकदम। ये चल इसके बन रही है, पता चलाना आ रहा है। क्या कह रहे? 2 इंच डंडा लाके मार दूंगा। निकलना तो बहुत हो गया तुम लोग का। और क्या करते हो पूरे दिन? ओ भाई ये मस्त आया है, मुंह खोल डाला उसने। हाँ मुझे पता है कि आप सबका भी दिल कर रहा है यहाँ जाने का, लेकिन अभी तो स्टोरी की शुरुआत हुई है। मेरे कुछ ही दूर थे रेत के पहाड़, जैसे देख के मैं उनकी तरफ भागने लगा बहुत ही तेजी से बिना रुके।
माना की बॉडी थक गई थी इतनी देर से कैमल राइड करने के बाद और काफी चलने के बाद, लेकिन मन नहीं भर रहा था। तो फिर क्या, आगे बढ़ते चले गए। और डेजर्ट के कोने पे पहुंच के नीचे देख के डर भी लगा, लेकिन एक्साइटमेंट फुल थी बॉस। हम सब पूरे तरीके से थक गए थे, लेकिन हमें फिर दिखे बहुत ही खूबसूरत हॉर्स यानी कि घोड़े, तो वो देख के हम फिर कंट्रोल नहीं कर पाया। आजा। अरे भाई कुछ नहीं करूंगा। टारगेट तो था इन घोड़ों के पास जाके कुछ क्रेजी काउबॉय टाइप वीडियो और फोटो क्लिक कराई जाए, लेकिन ये थे बहुत ही जिद्दी और ये उतने ही तेज भाग रहे थे जितना मैं स्लो था। सारे भाग गए। गो। हाँ कट। ये जो पल मेमोरी हमने कैप्चर की है, इसे भूलना काफी मुश्किल है हमारे लिए। इतनी खूबसूरत जगह जिसका कोई भी जवाब नहीं। बोला था ना सीट की पेटी बांध लें, नहीं तो वीडियो के लास्ट तक प्यार हो जाएगा।